वेलकम बैक बेटा। अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे एट एनी पॉइंट। तो देखिए ये जैसे एक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज और लेंथ है इसका 2a, 2a लेंथ लेते हैं और ये इसका सेंटर है O। और मैंने पहले भी आपको बताया कि डाइपोल के जितने भी केसेस होते हैं, चाहे उसका फील्ड निकालना हो, चाहे पोटेंशियल निकालना, कुछ भी हो, हम ज्यादातर डिस्टेंस उसके सेंटर से लेते हैं। तो मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है, ठीक है। डाइपोल की लेंथ हम क्या लेते हैं 2a, यानी के a और a इधर, जैसे ये a और ये a, ये सेंटर है ना, ये a ये a, तो टोटल हम 2a लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट a ले लेते हैं, इसको इसको b ले लेते हैं, इसको o ले लिया, इसको p ले लिया, तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये a से b से p, b से p इसको मान लेते हैं हम r1, और a से p इस डिस्टेंस को मान लेते हैं r2, bp r1 ap r2 एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा जो r बना रहा है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के साथ। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of two equal and opposite charges plus minus q separated by distance 2a, where two charges plus minus q separated by distance 2a। r क्या है यहां पे, आर मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट पी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर से कोई भी पॉइंट है पी, जिसकी डिस्टेंस कितनी ली हमने, आर, आर डिस्टेंस ली है, ओके। थीटा जो आर बना रहा है विद डाइपोल मोमेंट, तो एक तरह से हम आर को और थीटा को इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स भी मान सकते हैं, आर और थीटा, तो इसी से पता चलेगा पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे किस डायरेक्शन में है, ओके। आर वन यहां पे लेट बी पी इज इक्वल टू आर वन एंड ए पी इज इक्वल टू आर टू। वट इज द पोटेंशियल, देखो अभी हमने, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस का कैसे निकालेंगे, उन सब के पोटेंशियल को ऐड कर देंगे सिंपल। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज का पोटेंशियल प्लस क्यू का पोटेंशियल और माइनस क्यू का जो पोटेंशियल होगा उनका समी तो होगा। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा बेटा, V प्लस, उसको हम V प्लस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको V प्लस मतलब पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, या V1 V2 कुछ भी ले सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R1, और इसका कितना होगा पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, वो होगा V माइनस या V2 ले सकते हैं 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर टू, माइनस क्यू अपॉन आर टू साइन हमने लेना है। सो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, नेट पोटेंशियल एट पी, जैसा कि हमें पता है इन दोनों का एल्जेब्रिक सम यानी कि वी प्लस प्लस वी नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन और ये रह जाएगा 1 अपॉन आर वन माइनस 1 अपॉन आर टू, ये इक्वेशन नंबर 1। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा 1 बाई आर वन माइनस 1 बाई आर टू, ये रह जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आर वन और आर टू को आर और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आर वन आर टू को आर और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी ओ को आगे प्रोड्यूस करेंगे, पी ओ को आगे बढ़ा के ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट सी, ऐसे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पी ओ के ऊपर, बी से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी ओ के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम डी, अब इसको पी ओ को आगे बढ़ा के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, तो इससे क्या होगा ए पी नियरली इक्वल टू पी सी हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे नियरली, पी ए और पी सी, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे पी डी और पी बी ये बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पी ओ एंड पी ओ प्रोड्यूस्ड किस किस पे, पी ओ पे और पी ओ प्रोड्यूस्ड बड़ी हुई पे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पी ओ एंड पी ओ प्रोड्यूस्ड कहां से, फ्रॉम बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, यानी कि बी से तो हमें किस पे ड्रॉ करना है पी ओ पे, और ए से कहां पे करना है पीओ प्रोड्यूस्ड, मतलब पीओ जो बढ़ा के उसको आगे और फिर करना है, ओके। तो इससे क्या होगा कि एपी जो कि किसके इक्वल है आर टू के, एपी इज इक्वल टू आर टू, वो किसके इक्वल हो जाएगा पीसी के, नियरली इक्वल टू पीसी, और पीसी किसके इक्वल है पीसी ओपी प्लस ओसी, OP प्लस OC, OP प्लस OC ये अपोजिट एंगल ए बी थीटा होगा, ठीक है। सिमिलरली BP इज इक्वल टू R1, भाई BP R1 है, ये नियरली इक्वल टू क्या होगा PD, नियरली इक्वल टू PD, और PD को हम कैसे लिख सकते हैं, PD को OP माइनस OD, OP माइनस OD। अब देखिए इन ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है BDO, इन ट्राइंगल BDO, ये राइट एंगल ट्राइंगल है BDO, इसमें देखिए OD अपॉन OB, OD बेस अपॉन OB हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos थीटा, तो यहां से OD किसके इक्वल आ जाएगा OB cos थीटा, और OB क्या है a स्मॉल a यानी के a cos थीटा। सिमिलरली इन ट्राइंगल AOC, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए सी ओ कह लो, इसमें ओ सी अपॉन ए ओ, ओ सी बेस अपॉन ए ओ हाइपोटेन्यूज ये भी कॉस थीटा, और ओ सी इज इक्वल टू ए ओ कॉस थीटा, और ए ओ क्या है स्मॉल ए डाइपोल का साइज ए कॉस थीटा, तो OD और OC आ गए। अब इसमें रख दो, इसका मतलब जो R2 है
वो हो गया OP प्लस OC। OP क्या है? R, R प्लस A cos थीटा, OC की वैल्यू रख दी हमने, और R1 किसके इक्वल है? ये R1 OP माइनस OD, यानी कि R माइनस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा। अब इन R1 R2 की वैल्यू इक्वेशन वन में रखेंगे, ठीक है? मैं इधर ही कर देता हूं इसको। इसका मतलब V इज इक्वल टू, ये था ना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, R1 की जगह 1 अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस R2, R2 की जगह R प्लस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। इसको सॉल्व कर लेंगे, Q अपॉन एलसीएम लेके ये तो हो गया R प्लस A cos थीटा माइनस, इसको इधर ले जाएंगे R माइनस A cos थीटा, और नीचे R प्लस A cos थीटा इंटू नीचे हो जाएगा R प्लस A cos थीटा इंटू R माइनस A cos थीटा। सो ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R कैंसिल। चलो यहां पे कैंसिल कर सकते हैं वैसे तो, R प्लस A cos थीटा ब्रैकेट खोलेंगे माइनस R, ये हो जाएगा प्लस A cos थीटा अपॉन, ये हो गया R प्लस A cos थीटा, R माइनस A cos थीटा, A प्लस B, A माइनस B का फॉर्मूला R स्क्वायर, और माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। R कैंसिल, A cos थीटा प्लस A cos थीटा 2A cos थीटा, A cos थीटा प्लस A cos थीटा 2A cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? Q इंटू टू ए क्या होता है? Q इंटू टू ए P, तो V इज इक्वल टू P cos थीटा, Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए क्या होता है? P, डाइपोल मोमेंट, तो हो गया P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये डाइपोल का पोटेंशियल आ गया एट एनी पॉइंट। इसके स्पेशल केस मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? समझ नहीं आए तो मेरे साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू।